मुसलमान है, सारे कन्वर्ट हैं, जितने भी मुसलमान हैं उनको बाहर के मुसलमान जाहिल काफिर बोलते हैं, क्योंकि इनका डीएनए चेक करो तो कहीं ना कहीं जाके ये हिंदू निकल, जबकि डीएनए में हिंदू है, क्योंकि उनको तो जबरदस्ती बनाया गया था, सारे जबरदस्ती के। मगर इनके इनकी कुरान उठा के देख लो, उसमें लिखा हुआ है, अभी रिजवी साहब थे वो मोमडन थे, वो युद्ध को उन्होंने अपनाया, उन्होंने किताब भी लिखी है, वो बेकार है, कुरान मुसलमान के सिवा कोई भी मिले उसको कतल कर, वो काफिर है, मतलब कि कुरान ही सही है। हमारे हम हिंदू क्यों जो डरे हुए, मुसलमान कुरान के हिसाब से चल रहा है, जो कुरान में लिखा है कि काफिर है तो मार दो, मगर हिंदू गीता के हिसाब से नहीं चल रहा, अगर गीता के हिसाब से चले तो मार कर देना, मार दे साला को, कौन मारे, हमने ग्रंथ ही नहीं, हमारे बच्चे था ये पूछ लो, सुग्रीव कौन था कोई नहीं बताएगा, भरत कौन था कोई नहीं बताएगा, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आप बता दोगे, साउथ की तरफ चले जाओ, बाबर रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, उधर को जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं मिनी पाकिस्तान में आ गया। उन्होंने हमारे देश को छला है, मारा है, काटा है, फिर उनका नाम क्यों, हमारे परिवार का कोई नुकसान करे, कोई पड़ोसी ही करे तो हम उससे बोलते नहीं, उसका मुंह देखना पसंद नहीं करते, जिन्होंने हमारे बच्चों को मारा, सिखों को बोलते हुए पानी में ठूस दिया, एक मतीदास जी थे सिख, उनको कहा कि भी आप इस्लाम धर्म कबूल कर लो, उन्होंने मना करा, उनकी खाल खींच ली, और लास्ट में उसके लड़के से कहा कि भाई तू सिख धर्म को मुसलमान धर्म अपना ले, नहीं तो तेरे साथ भी ऐसा होगा, कहता मुझे क्या डर है, जब मेरे पापा को कुछ नहीं हुआ तो मुझे क्या डर है, उसको उसकी खाल छीन के उसका दिल निकाल के मतीदास के मुंह में डाल दिया, तब भी उसने अपना धर्म नहीं किया। तो ऐसे बंदे चाहिए थे, आज वो कहाँ है, आज अगर कोई चंद्रशेखर बनना चाहे तो कैसे बने, हमारा ही बंदा पठान किचन को बड़ा पड़ेगा, हमारे बंदा ये कह रहा है कि ये आगे बढ़ गया तो मैं इसकी टांग, ये कैसे आगे निकल गया, तो सबसे मेन चीज़ है हमारी अपनी थोड़ी सी कमी है, सिर्फ एक जुटता का एक बारी आप यहाँ से ये झंडे लेके निकल जाओ, अगर कोई भी मुसलमान आपके सामने क्यों बदल ला, क्योंकि हम निकलते नहीं, हम कोशिश नहीं करते, हमें तलवारों की जरूरत नहीं है, हमने जो बोला ना हर हर महादेव तो भाग्य सारे, हरि सिंह नलवा एक उधर पंजाब का था, हरि सिंह नलवा मरने के बाद भी उसकी ना लाश दिखाती थी कि हरि सिंह नलवा जिंदा है, सबको पता लगा मर गया, उसके किले का आक्रमण किया गया, जब उसकी लाश दिखाई ना कहता हरि सिंह नलवा जिंदा, तो सारे मुसलमान तो ऐसी वीर थे, महाराणा प्रताप को देखो लास्ट में उन्होंने भात की रोटी खाई मगर पार्थिव का स्वीकार नहीं, राम वो औरंगजेब उसके नाम से अकबर उसके नाम से काम करता, ये 80 किलो का भाला और 160 किलो का कमर, 280 किलो अपने बदन पे टांग के चलते थे, वो धुरेंद्र थे ना, वो एक बार जहाँ को निकल गया तो चीरते हुए निकल गए, कौन बनेगा, कौन इतिहास बताएगा, कोई बताता ही नहीं, घर में बात होती है अरे तू उससे मत बोल, तू उससे मत बोल, तू ये कर ले, तू वो कर ले, कौन बताएगा क्या, जब हम अपने बच्चों को बताएंगे रामचंद्र जी आ जाए, रामायण का छोटा सा इतिहास है, प्रभु राम वनवास को गए, ठीक है, अपना सब कुछ राजपाट छोड़ के, अपने भाई बहन छोड़ के, अपने भी संगी साथी सब छोड़ के, मगर वो धनुष और बाण लेके गए, हमारे जितने भी भगवान हैं सबके हाथ में धनुष बाण है, हमारे हाथ में हमें नपुंसक बना दिया, राजनेता हूँ, सिर्फ राजनेता हूँ, तो हमारे को पाठ पढ़ाएगा कौन, समझाएगा कौन, हम अभी यहाँ पे नहीं, कम से कम मैंने 80 बंदों को इन्वाइट किया था, ये पता लगा वही हम ही आपस में 80 में से हम 40 बंदे हैं, तो समाज की वृत्ति कोई समझता ही नहीं, आज अभी हमारी बहन बेटी के साथ उठ जाए तो मैं ही जाऊंगा,
पड़ोसी जाने को तैयार करें क्या हमारी मेरी बहन थोड़ी है। तो ये विचार हमने त्यागना है ना भाई, आपको सोच समझिए जो बना भी यार। अगर कोई अभी नवंबर से दिसंबर में 25 कानून पास होंगे, और जब वो 25 कानून पास होंगे वो हिंदुत्व की तरफ होंगे, तो हो सकता है भयंकर युद्ध भी हो, गृह युद्ध हो, तो उससे पहले समझ जाओ ना। हमें पता है हमारे आगे खाई है, फिर भी हम घर में अपना मौज कर रहे हैं कि लड़का मेरा ड्यूटी पे गया, वो अफसर बन गया, कार हमारे नीचे है, एसी हमारे घर में लगा, क्या समाज के लिए कौन करेगा। एक बच्चे को हम शुरू से ही समझाएंगे कि बता भगवान राम ये थे, परशुराम ये थे, या अकबर ये था, या ये था, तो हमें पता लगेगा ना वहाँ का ही था, और ये देशभक्त थे। कांग्रेस ने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्योंकि कांग्रेस मुसलमान, नेहरू मुसलमान, गांधी नाम दे दिया, और नेहरू नाम दे दिया उसको, उसने फिरोज गांधी से शादी की, उसने गांधी ने उसको कर दिया कि सिर्फ ना मेरा टाइटल लगा लो गांधी फिरोज खान, वो आज भी वही पढ़ते हैं, उनकी डेथ हो जाए वो पढ़ते हैं, उनके शादी के कार्ड पे हिंदी में लिखा है ना उर्दू में लिखा हुआ है, कहा कि वोट मांगे तो तेने उधारी हिंदू बन जाते हैं। तो कभी कब तक हम क्यों नहीं पहचान रहे, हर कोई बैठा हुआ है, कोई कोई जाता मैं चमार हूँ, कोई जाता मैं कुंडी हूँ, कोई जाता मैं राजपूत हूँ, कोई जाता मैं पंडित हूँ, मैं तुम्हारी आगे नहीं चाहूँ। अबे उसके आगे तो सारी दुनिया, राम जिसके आगे झुके उसके आगे तो सारी दुनिया झुकेगी है नहीं, बिल्कुल है। मतलब हम अपने आप को पहचाने गए थे, हम अपने आप को जाने गए थे, हम अपने आप को जानेंगे, हमारे को जनवाएगा कोई, हमारे को सेनापति चाहिए। अगर कोई काम हो जाएगा नरेंद्र मोदी सिर्फ एक बिल पास करेगा, लड़ना तो हम नहीं है, लड़ने थोड़ी ना आएगा वो अकेला। चलो जी हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया, क्या उसने हो गया जी है, मुसलमान आएगा तो वो लड़ने आएगा क्या, लड़ना तो हमें पड़ेगा। अब अपना राम मंदिर जब बना 70 साल तो इस पर केस ही चलता रहा, इतने लाखों कतलेआम हुए, कब से बना है, कानून में पास हुआ मगर उसने एक मक्खी नहीं बनी बना। ज्ञान बाबी मंदिर है, अब ताजमहल है, मथुरा का मंदिर है, 3 लाख ऐसे मंदिर हैं जिसके ऊपर मस्जिदें बनी। ओबीसी साहब हमारे कहते हैं कि ये तो कानून ही खत्म हो गया था, ये जो बनाया वो उसका ऐसी दर्द हो, अरे बनाया किसने था, संविधान सिर्फ इसलिए बनता है, इसलिए बनाया कि अगर आने वाले का पहले तो कंप्यूटर नहीं थे, अब कंप्यूटर आ गया तो संशोधन नहीं होगा। मेरी एक चीज़ मैंने आपके घर में नाम रजिस्ट्री रख दी कि भाई ये रजिस्ट्री है, कल को अगर मैं उसको लेने आ रहा हूँ तो आप कहते नहीं ये तो मेरा मकान है, अरे भैया कागज है मेरे पास, इसके तू सिर्फ मेहमान की तरह था, तू रह रहा खा भी मत, मगर आज मुझे चाहिए तो मैं लूँगा इसको। तो वो कहता है कि नहीं ये कानून, अरे कानून तो हमने बनाया अपनी सुविधा के लिए, और अपनी सुविधा के लिए हटाएंगे भी, मगर हटाएगा कौन, हम यहाँ से आवाज उठाएंगे, अकेले नरेंद्र मोदी के पास थोड़ी पहुँच जाएगी आवाज, यहाँ से 4 खत लिखे जाएंगे, 4 बातें होंगी, आप तो सबके सिग्नेचर होंगे, पता लगेगा कि आज ही उसके बाद 10,000 सिग्नेचर 20 लाख। आज हमारे राष्ट्रीय हिंदू संगठन के 1 लाख मेंबर, और मुश्किल से एक बंदे ने स्टार्ट किया कि मुझे समाज के लिए कुछ करना, एक से दो बने, 2 से 3 बने, 3 से 4 बने, आज मुझे ये हमारे बीच में शुक्ला जी है, चाहे किसी भी जाति के हों उससे मतलब नहीं है, हिंदू
हेलो।